27 तारीख को मतलब ख़त्म पाई गई लड़की, और 26 की रात पर उनके साथ ही रही। सुबह मैंने जब उनको उनसे मांगी 2-3 बार कि मम्मी मुझे दे दो, आप क्यों नहीं दे रही हो, फिर उनने मतलब वो ये कह रही थी कि सो रही है मतलब मार चुके थे पहले। हाँ सर, रात भर उनके पास ही रही है सुबह तक, मतलब मुझे उनने दिया ही नहीं है। फिर मामा मौसी मेरे आए, जब उन्होंने बच्ची को छीना मतलब उनसे ज़बरदस्ती, तब उन्होंने दिया, और देते ही टाइम वो भाग गई वहाँ से बिल्कुल। मामा मौसी ने मतलब एक फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को दिखाया तो उनने वहाँ पे उसको। कैमरे पर अपनी बेटी के मर्डर की कहानी बताने वाली इस महिला का नाम है काजल चौहान। काजल की गोद को सूना करने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सास थी। वैसे तो अभी नवरात्रि के वक्त काजल की सास प्रेमलता ने बाकायदा कन्याओं को भोजन कराया था और कन्या पूजन भी किया था। इतना ही नहीं, प्रेमलता ने कन्याओं को स्कूल बैग भी दिए थे, मगर प्रेमलता अपने घर की नन्ही देवी की इज्जत नहीं कर पाई और उसको मौत की नींद सुला दिया। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। पुलिस की जीप से उतरकर मुंह को छिपाने वाली ये वही दादी है जिसने अपनी 4 दिन की पोती को मौत दे दी। असल में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पोते की चाह रखने वाली दादी ने अपनी 4 दिन की मासूम पोती की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने घटना का खुलासा किया है और आरोपी सास के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एक हाथ से दिव्यांग पोती को वो बहलाने का नाटक कर रही थी और उस मासूम बच्ची को इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि जो दादी अपनी बाहों में लेकर उसे दुलार करने का नाटक कर रही है, वही दादी अपनी बाहों में उसकी कब्र बना देगी। पुलिस ने बताया है कि 23 मार्च को ग्वालियर के गोलपाड़ा इलाके में रहने वाली काजल चौहान को प्रसव पीड़ा हुई। इसके बाद उसे कमला राजा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहां काजल ने एक नन्ही सी मासूम बच्ची को जन्म दिया, मगर ये बच्ची एक हाथ से दिव्यांग थी। बच्ची के जन्म को लेकर काजल काफी खुश थी, लेकिन काजल की सास प्रेमलता चौहान को बच्ची का जन्म मन ही मन खटकने लगा था। दरअसल सास जो थी काजल की, प्रेमलता, वो चाहती थी कि उसकी बहू को पहले बच्चे के रूप में बेटे का जन्म हो। बेटे की जगह जब बेटी पैदा हो गई, वो भी दिव्यांग, तो वही बेटी प्रेमलता को अभिशाप लगने लगी। काजल अपनी सास के रवैये को देखकर समझ गई थी कि उसकी सास बेटी के जन्म होने पर खुश नहीं है, इसलिए काजल ने अपनी बेटी को अपनी सास प्रेमलता से दूर ही रखा। इस दौरान काजल की माँ उसकी बेटी को अस्पताल में संभालती रही। तभी अचानक एक खबर आई कि काजल के चाचा की मौत हो चुकी है। इसके बाद काजल की माँ अस्पताल से चली गई। इसका फायदा काजल की सास प्रेमलता ने उठाया। उसने काजल के ना चाहने के बावजूद 26 मार्च की रात को बच्ची को गोद में ले लिया। प्रेमलता 4 दिन की पोती को कंबल में लपेटकर अपनी बाहों में समेट कर रात भर उसे अपने पास सुलाती रही। कम से कम काजल को तो ऐसा ही लग रहा था कि उसकी दादी अपनी पोती को सुला रही हैं, लेकिन प्रेमलता के इरादे बहुत खतरनाक हो चुके थे और उसने मौका मिलते ही अपनी 4 दिन की पोती का गला दबा दिया। पोती की जान जा चुकी थी, लेकिन प्रेमलता उसे गोदी से अलग नहीं कर रही थी। जब काजल के मामा और मौसी अस्पताल पहुंचे तो काजल ने अपनी बच्ची अपनी सास से वापस मांगी, मगर सास ने बच्ची को देने से इनकार कर दिया। इस पर काजल को थोड़ा सा शक हुआ। काजल के मामा और मौसी ने प्रेमलता से ज़बरदस्ती बच्ची ली तो बच्ची में कोई हरकत नहीं दिखाई दी। ये देखकर उन्हें शंका हुई और वो सीधा डॉक्टर के पास पहुंचे, जहां डॉक्टर ने चेक करने के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया। अब आपको सुनाए काजल से कि इस पूरी वारदात के बारे में सुनाते हैं काजल से कि आखिर हुआ क्या था, अस्पताल के अंदर कैसे उसकी सास ने बच्ची की हत्या करी, क्या हुआ था, क्या घटना है। सर मतलब 23 तारीख को मतलब मुझे लड़की हुई थी, OBCR से हुई थी, उसके मतलब एक हाथ नहीं था, और मेरे ससुराल वालों मतलब वो बहुत वैसे लोग हैं, उन लोगों को क्या लड़का चाहिए था, वो मुझे हो गई लड़की, और वो भी उसके एक हाथ नहीं था, तो उन लोगों का कहना ये है कि मतलब एक तो तेरे लड़की हो गई, वो भी ऐसी। और मेरी सास मतलब शुरू से ही उनका व्यवहार मेरे प्रति मतलब ख़राब ही रहा है, अच्छा नहीं रहा। फिर जो भी है, मेरी मम्मी मतलब मेरी डिलीवरी के टाइम मेरी मम्मी मेरे साथ रहीं 2-3 दिन, फिर उसके बाद चाचा जी एक्सपायर हो गए तो मम्मी वहाँ पे चली गई, तो उसके बाद मेरी सास ही मेरे साथ रहीं। 27 तारीख को मतलब
ख़त्म पाई गई लड़की, और 26 की रात पर उनके साथ ही रही। सुबह मैंने जब उनको उनसे मांगी 2-3 बार कि मम्मी मुझे दे दो, आप क्यों नहीं दे रही हो, फिर उनने मतलब वो ये कह रही थी कि सो रही है मतलब मार चुके थे पहले। हाँ सर, रात भर उनके पास ही रही है सुबह तक, मतलब मुझे उनने दिया ही नहीं है। फिर मामा मौसी मेरे आए हैं, जब उन्होंने बच्ची को छीना मतलब उनसे ज़बरदस्ती, तब उन्होंने दिया, और देते ही टाइम वो भाग गई वहाँ से बिल्कुल। मामा मौसी ने मतलब एक फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को दिखाया तो उनने वहाँ पे उसको मृत घोषित कर दिया कि ये तो बहुत टाइम पहले से ही मतलब मरी हुई है। और सर बस कोई भी केयर नहीं कर रहा था मेरी ना कुछ। तो मारा किसने है बच्ची के साथ, क्या हुआ बताइए? मारा सर मेरी सास ने ही है बच्ची को। गला दबाया सर, है ना, वो है ना मतलब ऐसे कंबल को पूरा ढके हुए थी, गोदी में लेके बैठी हुई थी, पूरा कंबल ऊपर तक ढका था, मुझे गर्दन वगैरह कुछ होगा ऐसा किया होगा। हाँ। क्यों मारा, वजह क्या थी? सर बता तो रही हूँ, उन्हें लड़का चाहिए था। मेरे लड़के आपके? नहीं सर, मेरी पहली डिलीवरी थी। कब हुई थी आपकी शादी? सर 10 मई 2023 को हुई थी। क्या करते हैं आपके पति? MR हैं सर। क्या नाम है उनका? विकास चौहान। कहाँ हैं ससुराल आपकी? गोलपाड़ा किला गेट। अच्छा, आपने अपनी पत्नी की जो घटना बताई थी, क्या बोले वो? सर वो भी इसमें ही शामिल था, उसे मतलब वो मतलब जिस दिन बच्ची हुई उसने ना बच्ची को लिया है ना, है ना उसको मतलब भी लड़का ही चाहिए था। हाँ सर, उसको भी लड़का ही चाहिए। क्या नाम आपकी दादी का? वो सब सासू माँ का? सासू माँ का प्रेमलता चौहान। अभी और ससुर साहब? ससुर साहब का बलबीर सिंह चौहान। तो आपने थाने में कंप्लेंट की? हाँ सर। अपनी पोती को मौत देने के बाद काजल की सास प्रेमलता मौके से निकल गई। काजल को अपनी सास पर शंका थी, इसलिए काजल अपनी बच्ची के पोस्टमार्टम की बात पर अड़ गई। कंपू थाना पुलिस को भी इस बात की सूचना दी गई, मगर काजल के पति विकास चौहान काजल की इस बात का विरोध करने लगा। काजल ने अपने पति की एक नहीं सुनी और आखिरकार बच्ची के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया, मगर इसकी कीमत काजल को भुगतनी पड़ी। ससुराल पक्ष के लोग काजल को अपने साथ घर नहीं ले गए। मायके पक्ष के लोग इसके बाद काजल को शिंदी की छावनी स्थित उसके बुआ के घर लेकर पहुंच गए। गुरुवार को बच्ची के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ कि बच्ची की मौत गला दबाने से हुई है। काजल ने इसका सीधा आरोप अपनी सास प्रेमलता पर लगा दिया। इस पूरे मामले पर CSP अशोक जादौन ने कहा है कि काजल की शिकायत पर पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आधार बनाते हुए प्रेमलता के खिलाफ धारा 302 के तहत FIR दर्ज की है, साथ ही प्रेमलता को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया है कि प्रेमलता की मनोस्थिति के बारे में वो उससे पूछताछ कर रहे हैं। अभी 27 तारीख को DRO हॉस्पिटल में एक मर्ग सामने आया था, उसमें 4 दिन की बच्ची की मृत्यु हो गई थी। उसकी मां के द्वारा तत्समय भी अपनी सास पर हत्या के शंका के आरोप लगाए थे कि हो सकता है कि सास ने कोई गड़बड़ी की हो। अभी उसमें हमने फिर PM कराया था और मौके पे और भी लोगों के स्टेटमेंट लिए थे, और उसमें जब PM रिपोर्ट प्राप्त हुई है हमको आज, जिसमें क्लियरली गला दबा करके 4 दिन की बच्ची की हत्या करना पाया गया है, और फिर जब सघनता से पूछताछ की गई दादी से और उस एंगल से पूछताछ की गई कि ये घटना आपने ही कारित की है, तो उसने अपना इस तरह की घटना को करना कबूल किया है, जिस पर से थाना कंपू में एक 302 हत्या के धारा के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। जो बच्ची का जन्म हुआ था तो शायद सास उस चीज़ से रुष्ट थी, और दूसरी चीज़ बच्ची जो है वो शारीरिक रूप से अपंग भी थी, तो ऐसी स्थिति में शायद सास को नागवार गुजरा और उसने इस तरह का कदम उठाया, और माँ और उसके परिवार वाले शुरू से ही इस चीज़ को मान के चल रहे थे कि कोई गड़बड़ी सास ने की, मतलब सास चाहती थी कि बेटा ही हो, बस उसके बारे में बताया। इस संबंध में सास से गहनता से पूछताछ की जा रही है, उसकी क्या मनोवृत्ति रही है उसके भी, उस संबंध में भी हम जांच करेंगे, उसका इंटेंशन क्या रहा वो विवेचना में क्लियर होगा पूरा उसका। अभी प्राथमिक तौर पर हमने PM रिपोर्ट के आधार पर और उसकी जो मृत बच्ची थी उसकी माँ के कथन के आधार पर, उसके परिवार वालों के कथन के आधार पर हमने सास के विरुद्ध 302 का मामला पंजीबद्ध किया है, और सास को अभी हमने अभिरक्षा में ले लिया है। सास के अलावा कोई और भी इसमें आरोपी शामिल? अन्य कोई आरोपी नहीं है, केवल सास अकेली सास पर ही उसको परिवार वालों को संदेह था, और सास की उम्र लगभग 55 वर्ष होगी, और वह किस मनोवृत्ति के तहत उसने ऐसे कदम उठाया उसकी जाँच की जाएगी।
आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रेमलता ने अभी नवरात्रि के वक्त प्रेमलता ने यानी कि काजल की सास ने बाकायदा कन्याओं को भोजन कराया था और कन्या पूजन भी किया था। इतने ही नहीं, प्रेमलता ने उन कन्याओं को स्कूल बैग भी दिए थे। मगर ज़रा सोचिए, एक तरफ कन्या पूजन करके वो कन्याओं की इज्जत कर रही थी, लेकिन अपने ही घर की नन्ही देवी को बेरहमी से मौत की नींद सुला दिया, वो भी एक सगी दादी ने, क्योंकि उस औरत को बेटी नहीं बेटा चाहिए था। इस कातिल दादी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।